कौन सा लगा रहा इसके बटने उल्टे रहे बाप शुरू कर अरे इसको कैसे लगा था अभी जा रहा हूँ उसको मेरा एक बार सादा पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। अभी आपके सामने मोहम्मद जिक्रुल्ला शेख यूसुफ तिलावत कलामुल्लाह पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बुल आलमीन बच्चे की उम्र में बरकत दे और इल्म दीन से इसे हम करार फरमाए। इस्लामी भाइयों, तिलावत कलामुल्लाह के बाद हमद बारी ताला पेश करने के लिए मुसद्दिक बेग वसीम बेग को दावत देता हूँ कि तशरीफ लाए और हमद बारी ताला पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं आपके सामने हमद पेश करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप गौर से सुने। मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवारी, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवारी, जिसको चाहेगा दागर बना दे, जिसको चाहे तू तख्त पर बिठा दे। तू है मालिक या पता तुझसा कोई कहा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। तूने पानी में मछली को पाला, तूने पत्थर से कीड़ा निकाला, तू है सबसे बड़ा, तू है सबसे जुदा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, कोई माबूद तेरा नहीं है, तेरे मोहताज या रब सभी है। तू है मुश्किल कुशा, तू है हाजत रावा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवारी, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवारी। मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवारी। माशाल्लाह, अभी आप जो है एक छोटे से बच्चे से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ मज़ूम के अंदाज में सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चे की आवाज़ में मज़ीद तरक्की अदा फरमाया। इसके बाद एक छोटा सा बहुत ही नन्हा प्यारा बच्चा मोहम्मद एहान मोहम्मद आसिफ छोटा सा बच्चा है, वो आएगा आपके सामने एक दुआ पेश करेगा।
हकीकत में आप जब इस बच्चे को देखेंगे तो इस बच्चे की ज़ुबान से जो दुआ निकलती है वो दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर आसमान के दहलीज पर ज़रूर छुएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर कबूल फरमाएगा। अस्सलाम अलैकुम या मुतल्लि बरकातु बिस्मिल्लाहिल्लाहि नाया जुल्लुम आस्मि शैउन बलाके समाए वो समूर सलाम अलैकुम जाओ बैठो। माशाल्लाह इस बच्चे ने मुसीबत के वक्त जो दुआ होती है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिहिश्शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाइ वहुवस समीउल अलीम। और जानने की बात यह है दीनी तालीम की बरकत है, चाहे छोटा सा बच्चा उसकी जुबान पर ये दुआ उसको याद हो गई। आज बड़े बड़े लोगों को जो एक उम्र हो जाती है फिर भी दुआ याद नहीं होती है। याद अगर भाइयों ये बच्चा इत्तेहाम देकर गया है कि हमारे अंदर ताकत है हिम्मत है और दीनी तालीम के अंदर वो बरकत है कि दीनी तालीम जो है हमें बहुत सारी दुआओं से हम करार कर देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चे के हौसले में मजीद बेहतरी अता फरमाए। इसी तरीके से अब इसके बाद एक बच्चा है अबू जर बेग आमीन बेग, बच्चा आपके सामने आएगा और एक दुआ पेश करेंगे। वो बच्चा अबू जर बेग आमीन बेग मैं आपके सामने आमीन बेग अबू जर बेग आपके सामने नज़वा दूर करने की दुआ पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप गौर से सुने नज़वा दूर करने की दुआ और भी कलिमातिल्लाहि तामति मिन कुल्ली शैतानी वहामति व मिन कुल्ली आयदिल लम्बा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बच्चे ने बहुत ही प्यारे अंदाज में अपने एहसास को बयान किया और दुआ जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो सिखाई है उसको आपके सामने पेश किया है। अब इसके बाद एक बच्ची है बहुत ही छोटी और नन्ही बच्ची है, इसका नाम है अनम शेख रहमान। अनम शेख रहमान वो आपके सामने आएगी और एक दुआ पेश करेगी। माशाअल्लाह आप देखिए गौर करें कितनी छोटी बच्ची है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बच्ची को एक दुआ जो है याद करानी है। इसी तरीके से मेरे भाइयों एक अहम बात जो आपको बतानी है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो दो रशिस्तों में है। मगरिब तक दर्जा अफ़ार के बच्चों के का जो प्रोग्राम चलेगा और मगरिब के बाद दर्जा इब्तिदाईया जो बड़े बच्चे हैं जो कुरान वगैरह की तालीम हासिल करते हैं उनका जो प्रोग्राम होगा। लिहाजा मेरे भाइयों की इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें और प्रोग्राम इंशाअल्लाह इशा तक चलेगा, उसके बाद खाने का भी लज़्म है, आप खाने से फारिग होकर के नदी जाएंगे। लिहाजा मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों आप खाना बनाने की फिक्र ना करें, आपका खाना यहाँ पर तैयार रहेगा। इसीलिए खाना खा करके और पूरे बच्चों का सुन करके ताकि आपके जरिए से बच्चों को हौसला मिले हिम्मत मिले और बच्चे आपके जो है हमारे और आपके बच्चे कौम के बच्चे जो है वो कामयाब हो सके। अब इसके बाद मैं एक बच्ची को इसका नाम अलीना अदा शेख परवेज वो आपके सामने आएंगी और जरूर शरीफ पेश करेगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लीना दा शेख परवेज आपके सामने दरूद शरीफ पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप गौर से सुने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में बच्ची ने दरूद शरीफ जो है आपके सामने पेश की है। इस्लामी भाइयों आज की जो आज का जो ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम की सदारत फजीलतुश्शेख शकील अहमद फैजी हाफिज़हुल्लाह
नायब अमीर सुबाई जगह से रजीस मालेगांव माशाल्लाह आ चुके हैं और अनकरीब आपके बीच में वो मौजूद रहेंगे। लिहाजा मेरे भाइयों आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठें, हमारा प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा। अब इसके बाद मैं आपके सामने एक बच्चा है चांद खान इब्राहिम खान तौहीद की किस्में आपके सामने पेश करेंगे। चांद खान इब्राहिम खान आए और तौहीद की किस्में पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबके सामने तौहीद की तीन किस्में पेश करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप गौर से सुने। तौहीद की तीन किस्में है, नंबर एक अल्लाह को रब मानना, नंबर दो अल्लाह की इबादत करना, नंबर तीन अल्लाह के नाम और सिफात पर ईमान रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बच्चा आपके सामने तौहीद की किस्में बड़े ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बच्चे ने बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चे के इल्म में मजीद तरक्की अता फरमाए। इसी तरीके से अब इसके बाद एक बच्ची है जुनेरा सैयद रफीक। जुनेरा सैयद रफीक आए और चार फरिश्तों के नाम वो बच्ची आपके सामने पेश करेगी। जुनेरा सैयद रफीक। आपके सामने चार फरिश्तों के नाम पेश करना चाहती हूँ। नंबर एक हजरत इब्राहिम खान, नंबर दो हजरत मिकाइल खान, नंबर तीन हजरत इज़राइल खान, नंबर चार हजरत इसाफ़ी। अब इसके बाद मैं उज़ैर अब्दुल्ला सामिन बेग को दावत दूंगा वो आए और इस्लामी महीनों के नाम। उज़ैर अब्दुल्ला हाफिज सामिन बेग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने इस्लामी महीनों के नाम पेश करना चाहता हूँ। इस्लामी महीनों के नाम पहला मुहर्रम, दूसरा सफ़र मुज़फ़्फ़र, तीसरा बेउवर, चौथा रबीउल सानी, पाँचवा जमादेउवल, छठा जमादानी, सातवा रजमुल रजम, आठ दसवा रमजान मुबारक, आठवा साबर मुअज्जम, नौवा रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए माशाल्लाह एक तकरीर है नमाज की अहमियत, इसको पेश करेंगी मुनज़्ज़ा फातिमा मोहम्मद जमील। मुनज़्ज़ा फातिमा मोहम्मद जमील आए और नमाज की अहमियत पर जो है अपनी बात को रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उमर से लेला रसूल करीम अम्माबाद फौज बिल्लाह मिने शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे भाई और बहनों मैं मुनज़्ज़ा फातिमा मोहम्मद जमील आज के इस नमाज की पाबंदी के ताल्लुक से बड़ी एक हमें पैगाम देकर गई है कि नमाज की पाबंदी करने से कितना फ़ायदा होता है। नमाज की पाबंदी करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से अब इसके बाद एक
दुआ की शक्ल में एक नज़म है जिसको पेश करेंगी अजीज़ा आफिया तहरीम शेख ज़ुबैर। अजीज़ा आफिया तहरीम शेख ज़ुबैर दुआएं और दुआई की शक्ल में नज़म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपके सामने मैं आफिया तहरीम मोहब्बत मैं आपके सामने एक छोटी सी दुआ पेश करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप बोल सकते हो। ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ, कर तू मुझ पर करम, रख तू मेरा भरम, राह सीधी चलू, शम्मा बन कर चलू, तू मुझको सच्चा बना, मुझको अच्छा बना, सबसे उल्फत करूँ, सबकी खिदमत करूँ, मैं करूँ हर घड़ी तेरी ही बंदगी, तू मुझे शांति रख, गम से आजाद रख, ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बच्ची ने नज़म की शक्ल में दुआ हमें पेश की हमारे सामने, और बड़ी प्यारी दुआ बच्ची ने पेश की है। अल्लाह बच्ची के इल्म में मजीद तरक्की अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब इसके बाद एक बच्ची है जो आपके सामने दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत बताएगी, इसका नाम है सुमैया साबिर खान। सुमैया साबिर खान आएंगी और दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत आपके सामने जो है पेश करेंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं आपके सामने दरूद शरीफ की फजीलत पेश करना चाहती हूँ। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे और 10 गुनाह माफ़ करेंगे और 10 दर्जे बुलंद फरमाएंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 400। बच्ची जो है दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत आपके सामने रख रही थी, बहुत ही अच्छे अंदाज में बच्ची ने दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत बताई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से अब इसके बाद एक छोटा सा बच्चा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी बात को यानी हदीस को हदीस अरबी में भी पढ़ेगा और उसका तर्जुमा भी आपके सामने बच्चा पेश करेगा, जरूर गौर से सुने आप। कितना फायदा होता है और कितना सवाब मिलता है। इस छोटे से बच्चे ने आपके सामने हदीस को अरबी के साथ साथ उसका तर्जुमा और ये भी बताया इस हदीस को किस मुहद्दिस ने अपनी किताब में जो है नकल किया है। अब इसके बाद मैं जुलेरा हुनूद मोहम्मद मुशीर को दावत दूंगा कि वो आए और नज़म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं आपके सामने नज़म पेश करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप गौर से सुने। मैं तो मेरा मोहम्मद मुशीर है। शुक्र तेरा ऐ खुदा, तूने हमें पैदा किया, तू पाक है और ऐब से साजी नहीं कोई तेरा, तू हर जगह मौजूद है, सबसे मिला
माशाल्लाह माशाल्लाह बच्ची ने बड़े अच्छे अंदाज में एक नज़म को आपके सामने रखा है। अब इसके बाद एक अंग्रेजी में तकरीर है, आवर पेरेंट्स इसको पेश करेंगी। अजीजा अदीबा परीमुल्ला आए और आवर पेरेंट्स अंग्रेजी में तकरीर पेश करें। Today I am presenting speech. My topic is our parents. Islam commands us to honor our parents, to be obeyed them, to respect them. The Quran and Sunnah contain many instructions from us to behave well with our parents, even if they are unbelievers. Allah says in Quran Surah Al-Isra, ayat number 23 and 24, Your Lord has decreed that you worship none but Him and day you be kind to parents. Whether one or both things attain old age in your life, say not them word of contempt, nor repel them, but address them team of horn and lower to them wings of himtili out of mercy and say, My Lord has mercy upon them as they brought me up when I was small. May Allah make us worth enough to serve our parents in the way He has defined. Amin. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, MashaAllah. बड़ी मच्छी ने बड़ी अच्छे अंदाज में अंग्रेजी में अपने एहसासात को आपके सामने रखा है और एक पेरेंट्स को एक पैगाम दिया है। अपने बच्चों के साथ ताल्लुक से आपको भी हसास होना होगा और आपको अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना होगा कि बच्चे को हम दीनी तालीम के साथ साथ जो है दीनी तालीम जो है अव्वल मकाम पर रखें, दुनियावी तालीम को दूसरे नंबर पर रखें, क्योंकि दीनी तालीम बच्चों के लिए ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। अगर दुनिया के अंदर हमें कामयाब होना है और आखिरत के अंदर कामयाब होना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्ची को मजीद जो है इल्म में बरकत अता फरमाए। अब इसके बाद में एक बच्ची है खालसा फातिमा मोहम्मद सलीम, खालसा फातिमा मोहम्मद सलीम आएंगी और आपके सामने नजर पेश करेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके सामने एक नजर पेश करना चाहती हूँ, उम्मीद आप गौर से सुने। सबसे आला अल्लाह है, सबका मौला अल्लाह है, सबको पैदा उसने किया, कुदरत वाला अल्लाह है, सबकी दुआएं सुनता है, रहमत वाला अल्लाह है, उसके बराबर कोई नहीं, सबका आका अल्लाह है, कौन है मेरा उसके सिवा, मेरा सहारा अल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बच्ची ने नज़म के अंदाज में कहा, मेरा सहारा अल्लाह है, अल्लाह के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। अगर तौफीक मांगनी है, मदद मांगनी है, तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। अब इसके बाद मैं एक बच्चे को जो सवाल जवाब की शक्ल में आपके सामने कुछ इस्लामी मालूमात रखेगा, इसका नाम है अम्मार हाफिज सामिन बे, वाय और सवाल जवाब की शक्ल में इस्लामी मालूमात रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपके सामने इस्लामी सवाल जवाब पेश करना चाहता हूँ। सवाल, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन है? जवाब, फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पैगंबर के पास लाते हैं। सवाल, मुसलमान अल्लाह ताला की बंदगी कैसे करते हैं? जवाब, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, अपनी माल की ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद का नाम क्या था? जवाब, अब्दुल्ला था। आप दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रखा? जवाब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कुरान में कितनी मरतबा आया? जवाब, एक बार, सूरह सब आयत नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माशाअल्लाह, बच्चे ने सवाल जवाब की शक्ल में बहुत सारी मालूमात हमें दी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चे के इनमें मजीद बरकत अता फरमाए। अब इसके बाद एक छोटा सा बच्चा है जो आपके सामने इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है, वो पांच चीज़ें आपके सामने रखेगा। उमर अरहान शेख परवेज़ वो आए और इस्लाम की बुनियाद पांच है वो आपके सामने जो है बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उमर शेख परवेज आपके सामने इस्लाम के पांच अरकान पेश करना चाहता हूँ। सुनिए, पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोजा, चौथी जकात, पांचवा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माशाअल्लाह, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है, बुनियाद इस्लाम आला खमसिन, और चीज़ को बच्चे हमारे सामने जो है बयान कर रहे थे। अब इसके बाद एक तकरीर है जिसका मौजू है मदीना, तूबा इरम शेख सिकंदर आपके सामने मदीना के मौजू पर बयान करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। मैं दुबई का शेख सिकंदर आपके सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरी तकरीर का उनवान है मदीना। मदीने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथियों को जन्नत का वार ने बहुत दुख दिया और सताया, बल्कि तौबा तौबा इनको जान से मारा ने फैसला कर लिया। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर दूसरे शहर चले गए। उस शहर का नाम है मदीना। मदीने के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना, आपको और आपके साथियों को जगह दी, जान और मान से साथ दिया। मदीने से ही इस्लाम जगह फैला। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक मस्जिद बनाई। उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल यही हुआ। आपकी कब्र शरीफ भी यही है। मदीने में खजूर के बाद बहुत है, बहुत किस्म की खजूरें होती है। मदीना बड़ी बरकत वाली बस्ती है। मैं अपनी तकरीर एक शेर के साथ खत्म करती हूँ। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर दादी मौला के लिए मेहनत करे थी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बच्ची जो है मदीना के ऊपर, मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी है बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला के लिए रहमत बरसती है। अब इसके बाद तौफीक बेग नाजिम बेग जो आपके सामने दुआए सना पेश करेंगे वो आए और दुआए सना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं तौफीक बेग और नाजिम बेग, मैं आपके सामने सना पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप गौर से सुने। सना माशाअल्लाह, बच्चा आपके सामने दुआए सना जिसको पढ़कर हम नमाज शुरू करते हैं वो आपके सामने बच्चा पेश कर रहा था। अब इसके बाद मैं एक हदीस पेश करने के लिए, एक दुआ पेश करने के लिए, तलबे हिदायत की दुआ, शेख मुस्तकीम शेख यासीन आएंगे और तलबे हिदायत की दुआ आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलाम
अब इसके बाद एक मौजू है वालदेन के साथ हुस्न सुलूक, जिसको पेश करेंगी अजीज़ा मुनज़्ज़ा पाकिर मोहम्मद कासिम। अजीज़ा मुनज़्ज़ा पाकिर मोहम्मद कासिम आए और वालदेन के साथ हुस्न सुलूक जो है इस मौजू को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदरे मोहतरम और सामाईन इकराम, आज के इस प्रोग्राम में मैं एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहती हूँ, जिसका मौजू है मेरे प्यारे माँ बाप। माँ बाप के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए। खुदा के बाद इंसानों पर सबसे ज़्यादा हक माँ बाप ही का होगा। माँ बाप की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाइए कि कुरान में जगह जगह माँ बाप की शुक्रगुजारी की ताकीद की गई है। हज़रत मामा रसूलुल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है? आप सल्लम ने फरमाया, माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है और माँ बाप ही दोजख, यानी इनके साथ नेक सुलूक करोगे तो तुम जन्नत के मुस्तहिक बनोगे और इनके साथ बुरा सुलूक करोगे तो जहन्नम के ईंधन बनोगे। अपने माँ बाप को हमेशा खुश करने की कोशिश करना चाहिए, इनके साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है और बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। यानी अगर आप अपने खुदा को खुश रखना चाहते हो तो अपने वालदैन को खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बच्ची आपके सामने वालदेन के साथ उसके सलूक की जो बातें बयान कर रही थी, अल्लाह ताला हमें वालदेन की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद पहली नशिश की आखिरी तालिब इल्म, और इसके बाद इंशाअल्लाह मगरिब की अजान होगी, नमाज पढ़ी जाएगी, फिर इंशाअल्लाह दूसरी नशिश का आगाज़ होगा। लिहाजा मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा और माँ और बहनों से गुजारिश करूँगा, इस बच्चे के सुनने के बाद आप जो है मस्जिद की तरफ चलें, अजान होगी, नमाज पढ़ी जाएगी और फिर उसके बाद दूसरी नशिश का आगाज़ हम करेंगे। अब इसके बाद मैं अली मोहम्मद अली शेख बशीर को दावत दूंगा कि वो आएँ और एक नज़म जो है पेश करें। मोहम्मद अली शेख बशीर, शेख शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुमिनों माह रमजान आने को है, जिंदगी में इनाम पाने को है। मुमिनों माह रमजान
इसके अब जो है ये पहली नशिस्त का इख्तिताम हो चुका है, अब अज़ान होगी, नमाज होगी, नमाज के बाद इंशाअल्लाह बड़े बच्चों का होगा, इसके अंदर मुकालमा, अंग्रेजी तकरीर, अरबी तकरीर और उर्दू तकरीर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लिहाजा मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा जो हैं वो ज़रूर तशरीफ़ रखें, उसके बाद जो नहीं आए हैं वो अपनी ज़रूरियात से ज़रूर फारिग होकर के हमारे भाई की माएँ और बहनें भी तशरीफ़ लाएँ, देखें कि बच्चों और बच्चे अपने एहसास को कैसे आपके सामने रख रहे हैं और बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएँ। जज़ाकअल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।